देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज थाने के अंतर्गत बाइक चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक ओर चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन कड़ी व्यवस्था में लगी हुई है, तो वहीं चोरों की वारदात भी बढ़ती जा रही है। बता दें कि बाइक चोरी की वारदात लगातार देखी जा रही है, जिससे पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी के बावजूद भी बाइक चोरों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। रामानुजगंज TI भारद्वाज सिंह द्वारा रामानुजगंज में बाइक चोरी में बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसने एक मुख्य आरोपी प्रिंस गुप्ता के खिलाफ धारा 269 पंजीबद्ध कराकर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। बता दें कि TI भारद्वाज सिंह द्वारा बाइक चोरों को धर पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई है। गुप्ता के खिलाफ 279 का अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। कई लोगों से पूछताछ किए, करीब 10-12-15 लोगों को पूछताछ किए, तब जाके कहीं ये बात क्लियर सामने आई और जिसके ऊपर जो मुख्य आरोपी थे उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको भेज दिया है। सर, इनके ऊपर क्या क्या धारा लगी? 379 चोरी का। खबर समय जगत के लिए बलरामपुर छत्तीसगढ़ से देवव्रत कुमार राय की खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।